अब उच्चारण में प्रादेशिक दोष पूरे भारत में है, हर प्रदेश के अपने अपने दोष यहां के भी हैं। उसको दूर करने के लिए हमको प्रयास ही करना होगा, एक बार केवल समझ लेने से नहीं होगा। उच्चारण करते समय बार बार उच्चारण स्थान उसका स्मरण हो, जिह्वा वहीं पर जाए, जो स्वर निकलना है वो उसी स्थान से निकले, इसका हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा प्रादेशिक दोष दूर नहीं होगा। उसका एक उत्तम उदाहरण, इसी विश्वविद्यालय में पहले एक प्राध्यापक रहे, मूर्धन्य विद्वान भी है, वो असम प्रदेश के रहने वाले। जब वो छात्र बनकर पहले प्रथम वर्ष में उन्होंने आचार्य कक्षा में प्रवेश लिया तो उनका उच्चारण सुनकर सब हंसते थे, तो उनको ये मन में बात इतनी गहरी चुभ गई कि उन्होंने संकल्प कर लिया कि मेरा उच्चारण सही ही होगा और उनका प्रयास फलद्रुप हुआ। आज उनसे आप जब भाषण करेंगे तो असम के प्रादेशिक दोषों को नहीं देखेंगे। असम में स का उच्चारण, क्षम्यताम, च का उच्चारण स करते हैं, चाय के बदले वो साय बोलेंगे और स के बदले ह बोलेंगे, तो इसलिए असम को तो अहम बोलते हैं। अब ये सब उच्चारण के भी थे किंतु आज वो दोष नहीं है, तो हम भी ठान लेंगे तो हमारे दोष दूर हो सकते हैं, और ये ठानना ही है क्योंकि अब हम संस्कृत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अभी आरंभिक पाठ हम वर्णमाला से करेंगे। अभी वर्णमाला ये शब्द आपने देखा होगा, सुना भी होगा, दूसरा भी एक शब्द सुना है, अक्षर। अब वर्णमाला जो पहली कक्षा में अध्याय होता है उसका शीर्षक अक्षरमाला क्यों नहीं है, वर्णमाला क्यों है? उसका जिसको उत्तर पता है वो कृपया उठकर उत्तर बोले, ऐसा निवेदन है। सीधा प्रश्न है, अक्षर और वर्ण इसमें अंतर क्या है? जिसको पता है वो बता सकते। नहीं, सही नहीं, वो खड़े होकर बोलिए, धैर्य से बोलिए, ये सुधार हो जाएगा, उसमें क्या है यदि दोष है तो। उल्टा हो गया, पहला ठीक है वाक्य, अक्षर अक्षर अ जहां जोड़ेंगे वहां नकारात्मक भाव आएगा, जैसे स्पष्ट, इसमें अ जोड़ेंगे तो विरुद्धार्थ हो जाएगा, अस्पष्ट। बिहार में नहीं होगा किंतु संस्कृत में होगा, तो अस्पष्ट यानी जो स्पष्ट नहीं है। वैसे ही
जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर है। अभी नहीं नहीं वो वर्ण शब्द का अर्थ भिन्न, संस्कृत में भिन्न भिन्न शास्त्रों में एक ही शब्द का भिन्न अर्थ होता है, इसलिए वो वर्ण का अर्थ यहां नहीं। तो जिसका क्षरण नहीं होता वो क्या है? अक्षर है। और जिसका क्षरण होता है वो वर्ण। अभी क्षरण नहीं होता, मैं यहां कुछ लिखूंगा और फिर मिटा दूंगा, तो उसका नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये मैंने लिख दिया, अब इसको मिटा दिया, नष्ट हो गया, तो ये क्या हुआ? वर्ण। अब अक्षर क्या है? अब मैंने कहा क और मिटाया, तो मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा। तो ये क्या हुआ? अक्षर। यानी जो ध्वनि हम निकालते हैं उसका क्षरण नहीं होता। अब हम भिन्न भिन्न ध्वनि निकालते हैं इसलिए भिन्न भिन्न अक्षर है। उन अक्षरों को यदि लिपिबद्ध करना है तो उसके हमने चिन्ह बनाए हैं, उन चिन्हों को हम कहते हैं वर्ण। इसलिए अ बोलेंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, ये चिन्ह अ का है इसलिए अवर्ण है। अभी हर भाषा में अक्षर समान है किंतु वर्ण भिन्न है, यानी लिपि भिन्न है, एक ही ध्वनि के भिन्न भिन्न चिन्ह है। तमिल में भिन्न चिन्ह, देवनागरी में भिन्न चिन्ह, किंतु ध्वनि अ ही है, तमिल में हो चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। तो अक्षर समान है, वर्ण भिन्न है। अब वर्णमाला, इसमें दो हिस्से हैं, उसके पहले थोड़ा और आगे जा सकते हैं। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। अब अक्षर ये नश्वर है तो शब्द भी नश्वर है। अब जो नश्वर है, जो नित्य है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो कौन है? सही। इसीलिए शब्द ब्रह्म ऐसा भी कहा जाता है। शब्दों की या अक्षरों की उपासना यानी ब्रह्मोपासना। वैयाकरण यानी जो व्याकरण सीखते हैं उनका ये आधारभूत सिद्धांत है कि यदि हमने शब्दों की उपासना की तो हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। इस कारण हमको उच्चारण में दोष नहीं करना, क्योंकि ये ब्रह्मोपासना है। जैसी ध्वनि निकालनी चाहिए वैसे ही निकालने का प्रयास करना है। एक शब्द भी हमने ठीक से उच्चारित किया तो हमको स्वर्ग प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ लोग मानते हैं।
तो इसलिए उच्चारण का महत्व है। इसलिए भी है कि थोड़े भी इधर उधर उच्चारण हो गया तो अर्थ बदल गए, तो अर्थ ही बदलेगा तो हम जो चाह रहे हैं उसके कुछ विपरीत ही निकलेगा परिणाम। और ऐसे उदाहरण वेदों में भी है, और इसीलिए थोड़ा समास में गड़बड़ हो गई तो इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए ऐसा तप करने वाले व्यक्ति को ऐसा पुत्र मिला जिसने जो इंद्र के द्वारा मारा गया। तो इस प्रकार भाषा में किंचित परिवर्तन से, उच्चारण के परिवर्तन से परिणाम विपरीत हो जाता है। इसलिए आग्रह है उच्चारण का। अभी एक एक वर्ण से आरंभ करेंगे तो दो प्रकार के वर्ण हैं, कुछ को कहते हैं स्वर और बाकी को कहते हैं। अब कोई स्वर के उच्चारण कर सकता है क्या? स्वरों के उच्चारण कर सकता है तो खड़े होकर एक बार कर लीजिए स्वरों का उच्चारण। हाँ खड़े हो जाइए। तो ऋ एक ही है या ह्रस्व है और दीर्घ भी है? हाँ दोनों है। अभी एक एक का उच्चारण लेंगे। इसमें आपने जो सुना उसमें कुछ ह्रस्व स्वर है और कुछ दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर का उच्चारण कितने काल तक करना और दीर्घ के उच्चारण कितना काल तक करना? एक मात्रा ह्रस्व उच्चारण और दीर्घ उच्चारण की दो मात्रा। एक प्लुत उच्चारण भी है, तीन या अधिक, उसको कहते हैं प्लुत उच्चारण। जब हम किसी को, वो दूर खड़ा है, उसको यदि हम बुलाना चाहते हैं तो हम अपने अंतिम स्वर वर्ण को यानी अपने अक्षर को, अंतिम अक्षर को दीर्घ बोलते हैं। तो इसलिए उपलुत उच्चारण माना जाता है, यानी तीन मात्रा या उससे अधिक। तो सामान्य व्यवहार में तो तीनों है, किंतु उसका कभी कभी उपयोग होता है जब कहीं बुलाना है, दूर में खड़ा है तो। बाकी सामान्य तो ह्रस्व और दीर्घ। अभी अ आ इ ई। अभी यहां कई लोग उच्चारण में गड़बड़ करते हैं, लिखित कुछ है उच्चारण में कुछ है। और इसीलिए आग्रह ये है कि ह्रस्व उच्चारण है तो ह्रस्व का ही उच्चारण करें, दीर्घ है तो दीर्घ का ही करें। उदाहरण के लिए सबको दिखता है क्या? अभी शिला बोलने से क्या अर्थ निकलता है? और शीला बोलने से नहीं, संज्ञा तो है किंतु जैसे किसी युवक का नाम विवेक है और वो संजय का पुत्र है तो सभी विवेक शब्द का अर्थ संजय का पुत्र ऐसा हो जाएगा क्या? विवेक शब्द का अपना अर्थ है। तो शीला ये कन्या का नाम होता है किंतु शीला शब्द का भी अर्थ है
शीलवती, शीलवान कहेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, यानी शील यानी क्या हुआ, स्वभाव चरित्र। तो जो शीलवती है वो शीला। अब ह्रस्व से दीर्घ हो गया तो कितना अंतर हो गया। वैसे और एक उदाहरण, अब ये ऊपर वाला जो ह्रस्व सीता है उसका क्या अर्थ है नहीं पता, हिंदी में उसको मिश्री कहते हैं, खड़ी शक्कर बोलते हैं, और बाद में जो सीता है उसकी व्युत्पत्ति है किंतु वो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, अभी तो इतना ही नाम लीजिए, मान लीजिए कि वो नाम विशेष सीता। तो सीता और सीता अंतर हो गया, राम की पत्नी और एक मिश्री। तो ये सामान्यता सभी स्थान पर गड़बड़ करते हैं और फिर अर्थ बदलते हैं। तो बाद में है आ, यहां पर भी ह्रस्व का दीर्घ, दीर्घ का ह्रस्व करते हैं, वो नहीं करना है। बाद में उ के बाद यहां गड़बड़ है, यहां प्रादेशिक दोष है, और इसीलिए जब नाम लिखना होता है ये कभी नहीं का नाम, अब ये नाम अशुद्ध क्या लिखना चाहिए, अब ऋ इस वर्ण का उच्चारण री करते हैं, इस उत्तर प्रदेश में तो करते ही है, उत्तर भारत में ही करते हैं। इसका कारण, इसका उच्चारण स्थान क्या है ये नहीं। अब उच्चारण स्थान क्या है तो वो मूर्धा। अब मूर्धा कहाँ है ये किसी को पता है क्या, नहीं, तालु शब्द भिन्न है, मूर्धा शब्द भिन्न है। तालु कहाँ है और मूर्धा कहाँ है, नहीं खड़े होकर बताइए, सबको सुनाई दे, मैं मुझसे केवल संवाद नहीं करना है। उल्टा बोला अभी, प्रयोग करते हैं, एक ट वर्ग है, उसका उच्चारण सबको पता है, पूरे भारत में वो सही करते हैं, ट ठ ड ढ ण। अब ये उच्चारण सब लोग करिए और अपनी जिह्वा कहाँ जाती है ये देखिए, कहाँ जाती है तो दांत से थोड़ा ऊपर, वही स्थान मूर्धा है।
क्योंकि ये पाणिनि ने सूत्र में लिखा है कि ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होगा। और एक वर्ण है जिसका उच्चारण सही करते हैं पूरे भारत में, वो है र, रमेश। अब र बोलते समय जिह्वा कहां जाती है? वहीं जाती है। अब और दो वर्ण बचे मूर्धा के, एक र और एक श। अब ये दोनों का उच्चारण सही नहीं होता और इसीलिए वहीं जिह्वा ले जाकर जब तक उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वो शुद्ध उच्चारण नहीं है। इसलिए ऋषि, 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 ऋषि मूर्धा में जिह्वा रहेगी, मूर्धा के ऊपर तालु है, वहां भी जो उच्चारण होता है उसको सब करते हैं उत्तर प्रदेश में, किंतु उल्टा करते हैं, जो दंत्य स है उसके स्थान पर तालव्य श का उच्चारण करते हैं और जो तालव्य श के स्थान पर दंत्य स का उच्चारण करते हैं। बिहार में भी, बंगाल में भी यही प्रचलन है और इसीलिए शुद्ध ये कहना है तो कहेंगे शुद्ध। ध का होगा शुद्ध, श्रद्धा इसका होगा श्रद्धा, ये नहीं करना है और इसीलिए ऊपर ये मूर्धा के ऊपर तालु है, वहां जिह्वा ले जाकर श, श, शाला, पाठशाला ये उच्चारण करना, ये अभ्यास न करने से कई लोग व्याकरण जानते हुए भी दोषपूर्ण उच्चारण करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सूत्र जानते हैं किंतु अभ्यास नहीं, तो हमको इन दो उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि यह है इस प्रदेश में समस्या है, एक तो मूर्धन्य और दूसरा है तालव्य। और दंत्य स आता है किंतु उसका उच्चारण बार बार नहीं करना है, जहां आवश्यक है वहीं करना है। अभी ऋ, बाद में स्वरों में और बाकी आगे एक लू भी है किंतु उसका प्रयोग नहीं होता इसलिए उसको छोड़ देंगे। आगे ए, आई, ओ, औ, अम, आह। अभी ये हिंदी देवनागरी है, हिंदी वर्णमाला है इसलिए हम अम आह बोल रहे हैं, संस्कृत वर्णमाला में ये नहीं है। संस्कृत वर्णमाला किसी को पता है क्या है? क्या है? ठीक, तो 14 माहेश्वर सूत्र यही संस्कृत की वर्णमाला है। ये शंकर के डमरू से निकले हुए 14 सूत्र हैं, इसलिए उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। उसको रट लीजिए तो जब कहेंगे कोई कि आप वर्णमाला सुनाइए तो इसी को सुनाना होगा, इन 14 सूत्रों। अब उसमें अम आहा नहीं है, अ के ऊपर है अनुस्वार, वो बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार।
अब अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है? नासिका से। फिर उसमें उच्चारण करते समय कुछ और भी नियम है, जैसे हमने अम उच्चारण किया अनुस्वार का, अब इसमें संघ ऐसा उच्चारण है क्या? क्यों नहीं है? स पर अनुस्वार है। जिसको पता है वो खड़े होकर बोले। सही। तो नियम क्या है कि आगे उसी शब्द में आगे जो वर्ण होगा वो यदि वर्गीय व्यंजन है, अब वर्गीय व्यंजन का अर्थ क्या है? हाँ, अ क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, ये पांच वर्ग है, इसमें पांच पांच वर्ण है हर एक वर्ग में, तो कितने हो गए वर्गीय व्यंजन? 25, पांच गुना पांच 25। तो ये जो पांच, ये 25 वर्गीय व्यंजन है, उसमें से कोई व्यंजन यदि अनुस्वार के बाद आता है तो उस वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करना है। पंचम वर्ण यानी क, ख, ग, घ, ग, ये अंतिम जो है वो पंचम वर्ण है। अब उसी का उच्चारण करना है, क्योंकि घ ये क वर्ग का ही वर्गीय व्यंजन है, और इसलिए संघ ऐसा उच्चारण करेंगे, संघ नहीं करेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूं। तो ये हिंदी में चल सकता है, संस्कृत में ये लिखना दोषपूर्ण माना जाता है, इसलिए लिखेंगे इसी प्रकार लिखना है। इसमें एक और भी पर्याय है, ये ऊपर नीचे लिखा है, इसके बदले में बगल बगल में लिख सकते हैं। ये दोनों शुद्ध है। अभी वैसा ही दूसरा उदाहरण, जन्म न शक्य। स के ऊपर अनुस्वार लिखते हैं हिंदी में तो उसका उच्चारण संजय नहीं होगा, संजय होगा, क्योंकि ज किस वर्ग का व्यंजन है? च वर्ग का, और च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ञ, इसलिए संजय यही उच्चारण होगा। अभी आते हैं अहा, तो वहां जो दो बिंदी है उसका उसका नाम क्या है? विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण कितनी मात्रा में करना चाहिए? एक मात्रा में तो ह्रस्व वर्ण, उसके साथ तो उच्चारण करना ही है, किंतु मात्रा कितनी? नहीं, वो दीर्घ मात्रा का उच्चारण तो दो मात्रा में हो, ह्रस्व है तो एक मात्रा में हो,
जो विसर्ग है उसका आधी मात्रा उच्चारण करना है। और इसलिए कुछ लोग कुछ प्रदेश में जैसे रामा ये दीर्घ हो गया और उसके आगे विसर्ग है तो उसको रामा ऐसा बोलेंगे दीर्घ, तो ऐसा दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं है। रामा ये दीर्घ हो गया है, बहुवचन है ये समझ में आ गया है, विसर्ग का उच्चारण अर्ध मात्रा ही करना है। जैसे रामा रामा वो हा को लंबा नहीं खींचना, वो दोषपूर्ण है, तो ये विसर्ग का उच्चारण ढंग। अभी जो व्यंजन है वो व्यंजन जो वर्गीय व्यंजन है वो पांच वर्गों में है, उनमें जो ऐसे स्तंभ है उस स्तंभ में क्या क्या है, पहले क, उसके नीचे क्या है च, उसके नीचे त, उसके नीचे। अब ये जो स्तंभ है इसको क्या कहते हैं, इसका उच्चारण कैसे करना है, इसको कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण यानी जिसमें प्राण शक्ति का प्रयोग अधिक नहीं करना है, अल्प करना। अभी दूसरा है स्तंभ, उसको कहेंगे महाप्राण। तो क ख, बात का स्तंभ क्या है, ग ख क ख ग ख और फिर ङ। तो ये पहला स्तंभ अल्प प्राण, दूसरा स्तंभ महाप्राण, तीसरा पुनः अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अनुनासिक यानी नाक से उच्चारण कर। इस प्रकार उच्चारण होना ही चाहिए। आपने अल्प प्राण का महाप्राण किया और महाप्राण का अल्प प्राण किया तो वो दोष है। कुछ प्रांतों में यही उच्चारण का अभ्यास, विशेषतः तमिलनाडु केरल, और इसीलिए उनके उच्चारण को समझ में आने में देरी लगती है। वो मातृभूमि में नहीं बोलेंगे, मातृभूमि में बोलेंगे, भ के बदले ब बोलेंगे, तो ये उच्चारण नहीं करना है। तो इसलिए क्या करना, तो ध्यान पूर्वक प्राण शक्ति का अधिक उपयोग करना। अभी बाद में है य, स, श, बाद में अंत में ज्ञ और ज्ञ और बस। अभी मैंने स, श और श इसका उच्चारण तो बताया, अब इसमें श्री एक संयुक्त वर्ण है। श्री इसमें कौन से दो वर्ण है, र तो श का उच्चारण कहां है, तालु में, और र का उच्चारण मूर्धन। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले जिह्वा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, श्र
शुरू अभ्यास करना पड़ेगा, एक, एक पहले दिन नहीं आएगी, किंतु अभ्यास करना ही होगा, अन्यथा उच्चारण सही नहीं आएगा। वैसे और एक संयुक्त वर्ण है जिसमें हम गड़बड़ करते हैं, अब इसमें कौन से दो वर्ण हैं? कुछ लोगों का मत यह है इसके पक्ष में कौन कौन है, हाथ ऊपर करिए। धीरे धीरे हाथ ऊपर हो, कम लोग हैं। बाकी लोगों का क्या मत है? अब उच्चारण क्या होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा? तो ज्ञान ये अशुद्ध उच्चारण है, हिंदी में चल सकता है किंतु संस्कृत में नहीं चलेगा। ज्ञान यही उच्चारण करना होगा, आधा ज या ज्ञ, यही सही उच्चारण होगा। अब इसका अभ्यास ही करना होगा, एकाएक नहीं आएगा। ध्यान पूर्वक उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहाँ जा रही है, कौन सा वर्ण हम उच्चारित कर रहे हैं, ये हमको देखना होगा। और इसीलिए इस वर्णमाला को आप एक बार ठीक से उच्चारण का अभ्यास करिए, स्मरण माला का, उससे आपका संस्कृत उच्चारण सही होगा। अब पहला ही शब्द है संस्कृत, अब इसी में संस्कृत बोलते हैं, तो संस्कृत ये उच्चारण सही नहीं है, वहां ई नहीं है, महाराष्ट्र में उ बोलते हैं संस्कृत, वो भी सही नहीं है। अतः मूर्धन्य उच्चारण है, ये जो चिन्ह है ये जो चिन्ह है ये चिन्ह रू है, रू। अभी स के ऊपर अनुस्वार है तो उसका नासिका में उच्चारण होगा संग, फिर आधा स है इसलिए संस, और फिर क है संस कृत 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 कृत। अब क्रु के लिए जिह्वा मूर्धा में ले जानी पड़ेगी, तो संस्कृत ये उच्चारण होगा। तो हम संस्कृत क्षेत्र में आए हैं तो संस्कृत उच्चारण हमारा, इस शब्द का उच्चारण सही आना ही चाहिए, नहीं तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। तो यहां आज पाठ समाप्त करते हैं। आपको कुछ पूछना है, संदेह है तो बोलिए, दो मिनट है। वर्गीकृत व्यंजन में क्या उच्चारण सही? अच्छा, अनुस्वार के आगे, हाँ एक उदाहरण रह गया, वो उसमें दोष है ही। अभी सी और ऊपर है अनुस्वार, आगे अवर्गीय व्यंजन है ह, अब उसका उच्चारण कैसे होगा? तो सिंह घ करते हैं, वहां घ है क्या?
घ नहीं है, तो इसलिए सी, ये तो सी हो गया, उसके ऊपर अनुनासिक है तो नाक में उच्चारण हो गया सी, और बाद में ह का पूरा उच्चारण करना, सिंह ह, सिंह ह, ये सही उच्चारण होगा, सिंह नहीं बोलना है। की और बाद में व्याकरण लिखा गया, पहले व्याकरण लिखा गया और बाद में भाषा सृजित हुई, ऐसा नहीं। तो ब्रह्म ये शब्द का उच्चारण पहले मकार फिर हकार, किंतु लिखते समय उल्टा। पहले हकार होगा, उसके पेट में मकार होगा, वैसे ही आह्वान, पहले हकार का उच्चारण नहीं होगा किंतु लिखते समय वैसे ही होगा। आह्वान, व का पहले उच्चारण फिर ह का उच्चारण। प्रह्लाद, पहले ह, पहले ल का उच्चारण बाद में ह का उच्चारण। फिर और एक उच्चारण में गड़बड़ करते हैं, चित्रकूट में जाएंगे तो अशुद्ध लिखा हुआ है, वो है अनुसुईया, अनुसुईया ऐसा लिखा है चित्रकूट में, तो सही उच्चारण क्या है? अनसुया, अनसुया, ये सही उच्चारण। अन यानी नकारात्मक भाव है, और जिस असुया जिसमें नहीं है, अन ये उपसर्ग है, उसका अर्थ नहीं है, ऐसा होता है, असुया जिसमें नहीं है वो अनसुया, वो अनु नहीं है और असुया नहीं है। फिर घर का नाम लिखते हैं पितृछाया, मातृछाया, वो लिखते समय दोष करते हैं, उच्चारण में दोष होने के कारण, उसको कैसे लिखना है? आधा चक्कर आएगा ही, उसके लिए पाणिनि का सूत्र है, किंतु वो अभी समझ में नहीं आएगा आपके, किंतु ये इतना ध्यान में रखिए कि अर्धा आधा च का उच्चारण करना ही है, मातृच्छाया पितृच्छाया।